गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग धर्मशाला वापस जा रहे हैं। तो मैं अभी आज पास्ता बना रही हूँ। हमारी शाम को इसने जब से आई है इसने कुछ नहीं बनाया। तो मैंने बोला आज जाने वाली है तो आज पास्ता बना। आज मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। अभी मैं सब्जियाँ कुकर पास्ता। तो आज हमारी 4 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग आज निकल जाएंगे जल्दी घर से। तो हम निकल जाएंगे 3 बजे तक। निकल जाएंगे अभी निकल। पापा का बस चले तो अभी निकल जाएंगे हम लोग। बहुत मज़े किया पर हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हम ऐसा लग रहा था हम लोग अभी तो आए थे, अभी तो हम लोग जस्ट एंटर किए थे इनके घर में, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। उनसे बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम का क्या टाइम का। बहुत मिस करूँगी मैं सबको। अभी सुबह के 10:30 हुए हैं तो ब्रेकफास्ट लेट हो गया है। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही होता है। हम लोग सुबह जल्दी लेट उठते हैं, जल्दी में उठते हैं यहाँ पे ना। तो मज़े से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर खा पी के फिर से सो जाते हैं या घूमने चले जाते हैं या खा लेते हैं। हम जब से आए हैं हम लोग सिर्फ घूम ही रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ मज़े किए, खूब मज़े किए। सानिध्या का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया और घूमे फिरे। मुंबई गए, शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। नेक्स्ट कब आओगे? त्र्यंबकेश्वर गए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर ही आएंगे, तो जल्दी जल्दी तो आ नहीं जाते इतनी दूर। हम तो आ भी जाएँ पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं आ पाते इतनी जल्दी जल्दी। चलो मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट, बाद में मिलती हूँ जब हम लोग जाने लगेंगे। पैकिंग हमारी हो गई है, डन है ऑलमोस्ट। ज़्यादा शॉपिंग किया नहीं। बाय बाय। हम लोग हो चुके हैं रेडी, अभी 2:30 होने वाले हैं। अब 3 बजे तक निकल जाएंगे हम लोग घर से। और ये बना रही है हमारे लिए पराठे जो हम रास्ते में खाएंगे, क्योंकि इस बार हमारी ट्रेन में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा हमें। और इसको मैंने अच्छे से नोकरानी बनाया है। और ये आटो मांगने आ गई है। आटो दे ना, आटो, आटा आटा लेती है ये। आटे के साथ खेलती है, बहुत बहुत तंग करती है। काकू मैं आऊंगी दिवाली में, बोलो। मैं आऊंगी दिवाली में। बड़ी मम्मा आप लोग जाओ अपने अपने घर। बाय बाय। आई लव यू। मिलती हूँ अब आप लोगों को ट्रेन में। आपको बाद में लेंगे, अभी दोबारा पापा मम्मी के साथ आना। आप पापा मम्मी के साथ आना ना, अभी तो मैं अपने घर जा रही हूँ। आप पापा मम्मी के साथ दोबारा आना ना। ओके, भी मैं जाती हूँ अपने घर ना। मैं तो अपने घर जा रही हूँ ना। मम्मी पापा बाय। सानिध्या देखो, बाय। एकले भाई, चलो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये छायापुरी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हमारी ट्रेन आएगी H1। ये हमारा सामान है। ये लोग नीचे छाओ में बैठे हुए हैं। हमारी ट्रेन आने वाली है। ये हमारी ट्रेन है सर्वोदय एक्सप्रेस। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट AC बुक करवाया था और काफ़ी अच्छा रहता है, पर्सनल रहता है सब कुछ।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रतलाम की गलियों में, रतलाम जंक्शन। ये खाने पीने की चीजें भी हैं यहाँ पे बहुत सारी। बड़ा पाव, बड़ा पाव, ढोकला। यहाँ पे तो बहुत रश और बहुत बड़ा जंक्शन है ये। हम लोगों ने अभी दो थाली ऑर्डर की है, एक से मम्मी पापा खाएंगे और एक से हम लोग खाएंगे, मैं और अंकित, क्योंकि एक थाली सफिशिएंट है दो लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। तीन इसमें एक्स्ट्रा रोटी भी दी हुई है और खाना बहुत यम्मी है, सच में सबको पसंद आया, मम्मी पापा को भी अच्छा लगा और हम लोगों को भी। मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेन में खाना इतना अच्छा मिल जाएगा। सुबह 5:30 पे हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे और अभी हम लोग बैठे हैं फ्री, सोच रहे हैं क्या करें, बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अभी सुबह के 10:10 हो चुके हैं, हम लोग कुरुक्षेत्र क्रॉस कर चुके हैं। कितने घंटे लेट चल रही है हमारी गाड़ी? 1.5 घंटे लेट चल रही है हमारी गाड़ी। इसीलिए निकाली राजा। ये ट्रेन अच्छी है, मजेदार है हमारा कोच, बट इसमें बहुत ठंड लग रही है, ये नयानो नहीं हुआ है। इसने थोड़ी मतलब पड़ोसी, पापा के पड़ोसी का फोन आया है, मतलब कि पता नहीं ये लोग एसी ऑन ही रखा है इन्होंने कि क्या किया है। मतलब और जनाब सुनाओ, वो ही नहीं है, ठंडा ही रहा रूम ना, मतलब नहीं नहीं लास्ट राजधानी में आए थे साई दी सी ट्रेन था, साई का 4 बजे ट्रेन साफ है, बट ये हालिया ये हरियाणा की राजधानी थी ना, वो उतनी नहीं है, बट ठीक है। नहीं नहीं 4 का अभी हम लोग लुधियाना पहुंच चुके हैं, बस हम लोग नहीं, हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे क्योंकि लेट है थोड़ी ट्रेन, क्योंकि धुंध की वजह से। अभी तो काफी धुंध कम हो चुकी है। पापा मोबाइल चला रहे हैं, मम्मा वॉशरूम गई है और ये आप फिर से सो गए हैं, इनको जब देखो नींद ही आती रहती है। मम्मा आ गई। यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट्स के लिए रुकी थी, जब स्टार्ट हो गई ट्रेन चलने के लिए। हम लोग लेट हो जाएंगे पठानकोट में, तो हम लोग मुझे लगता है 3 बजे तक पहुँचेंगे। 1 बजे की टाइमिंग है इसके पठानकोट पहुंचने की, बट हमें लगता है कि हम लोग 3 बजे तक पहुंचेंगे। उसके आगे हम लोगों को जाना है धर्मशाला, और धर्मशाला तो हमें पता नहीं बस मिलेगी कि नहीं, हम और लेट हो जाएंगे धर्मशाला में पहुंचने की। पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो जाएगी, देखो क्या होता है। ये है पंजाब, ऐसे ही होते हैं यहाँ पे घर चिपके चिपके। अभी हम पहुंच चुके हैं मुकेरियां, बस अब हम पहुंचने वाले हैं पठानकोट।
आई एम रियली सॉरी, मैंने लास्ट वीडियोस कैप्चर नहीं की मोमेंट्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इतना ज़्यादा सामान था हमारे हाथों में तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। अभी मैं डायरेक्ट टैक्सी से आप लोगों की वीडियो शूट कर रही हूँ। अब हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं धर्मशाला। मम्मी पापा को हम लोगों ने गुरदासपुर की बस में बिठा के सी ऑफ कर दिया था, उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी बुक की और अभी हम लोग निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए।